जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी पब्लिक लाइफ में रहने के लिए नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है एक्सपीरियंस। तो आज मैंने देखो सबसे पहले फिजिक्स की क्लास में क्या लगाया। अब महाराजा की हैबिट्स बताने का तो मुझे कोई औचित्य होना नहीं चाहिए, आईएएस की बता दूं तो ठीक है। देखो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, टाइटल बनाया है ये अखबार वाले ने, टाइटल बनाया है दीज 7 हैबिट्स द महाराजा इज टोल्ड द दीवान हुज एवर नेम इज रिटन दैट पर्सन वाज द राइटर इज सेइंग एंड हु इज राइटर कौन है, किसने लिखा है आर्टिकल, राहुल सागर है कौन है यार, कह रहा ना तू कह रहा है ये कौन है राहुल सागर एसोसिएट प्रोफेसर, कहां एसोसिएट प्रोफेसर है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अबू धाबी कैंपस में एसोसिएट प्रोफेसर है, समझ रहे हैं, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे IIT होता है ना बड़ा जेन्यू है ना, इसी तरीके की यूनिवर्सिटी है, वहां पर प्रोफेसर है, एक मिनिमम इनकी क्रेडिबिलिटी है, बिना क्रेडिबिलिटी वाले आदमी नहीं है। अब क्या लिखा है देखो, फैशन से देखो क्या लिखा, राजा तंजोर माधवराव नाम था, वाज द फॉरमोस्ट इंडियन स्टेट्समैन ऑफ द ईयर 19th सेंचुरी मतलब समझे क्या, मतलब 1800s में कब, कांग्रेस के जन्म से पहले के टाइम की बात करी जा रही है। ही वाज द फॉरमोस्ट स्टेट्समैन ऑफ इंडिया, आपको मालूम नहीं है, किसी किताब इतिहास की किताब में नहीं लिखा हुआ। अब क्या इनका परिचय देखो, यहीं से आर्टिकल शुरू हो रहा है, फ्यू इन कंटेम्पररी इंडिया रिकॉग्नाइज द नेम राजा सर तंजोर माधवराव, राजा सर तंजोर माधवराव आपको भी याद करना है नाम, राजा सर तंजोर माधवराव क्या थे, दिस ए ट्रेजेडी क्या है कि आज की जनरेशन के लोग, इनफैक्ट पर्सन लाइक मी आल्सो डजंट नो अबाउट द ग्रेट पर्सन लाइक हिम, ही वाज ए फॉरमोस्ट स्टेटमेंट इन द 18th सेंचुरी गुड, और कुछ लिखित में चले छोड़ के चले गए वो, लिखित में रिटन अकाउंट उसी पे लिखा है, दिस ए ट्रेजेडी फॉर राव वाज फॉरमोस्ट इंडियन स्टेटमेंट आफ्टर 19th सेंचुरी बिटवीन 1858 टू 1883, कौन से पीरियड का, 1858 राव हैड द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ सर्विंग सक्सेसिवली एज दीवान टू द महाराजा ऑफ तामड़कोर, बड़ा स्टेट था तामड़कोर, बिग स्टेट इन साउथ इंडिया, कोई रैंडम कुछ नहीं सक्सेस किया था, सक्सेस के लिए उन्होंने ही इवॉल्व सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस विच ही गाइडेड द स्टेट क्राफ्ट, बाई विच स्टेट क्राफ्ट वॉज गाइडेड, वट आर 7 प्रिंसिपल्स, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एडवाइस क्या है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ओवर द थ्योरेटिकल नॉलेज, वट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, पहली पॉइंट द फर्स्ट इज टू वैल्यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं ना, कहूँ लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाओ, कितनी भी खूबसूरत लिख रहे हो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से खूबसूरत लिख सकते हो क्या, नहीं, क्यों, थ्रू आउट लाइफ यू हैव बीन ट्रेंड इन राइटिंग इन, किताब पढ़ ली अकेले और जानने लग गया कि दुनिया देख ली मैंने, किताब पढ़ के दुनिया नहीं देखी, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा, दैट कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन थ्योरेटिकल नॉलेज, ये भी जानना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। सेकंड पॉइंट क्या बताया, थर्ड सेकंड क्या, ओपन टू आर्ग्यूमेंट, एवरीथिंग मस्ट बी ओपन टू आर्ग्यूमेंट, दोज इन पोजीशंस ऑफ पावर विल ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू क्रिमिनल फ्लैटरी, कोई ना कोई आपकी जजे करने आ जाएगा, लेकिन जजे से राव वॉन्ट बट दे शुड नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ बिलीविंग दे नो एवरीथिंग, दे हैड टू कंसल्ट फ्रीली विद प्रैक्टिकल पर्संस टू वेरीफाई देयर कंक्लूजंस एंड चेंज देयर व्यूज व्हेन प्रूवन रॉन्ग, अगर गलत हूँ तुरंत कर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, प्रूव यू रॉन्ग। थर्ड, टू नो हाउ टू मेक काउंसिल, एडवाइस कैसे देना है, डिसीजन मेकर्स हु वांट टू बी ट्रूली वेल इन्फॉर्म्ड आर टू ट्रीट एडवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स विद ड्यू रेस्पेक्ट, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो एडवाइजर हैं, उसको क्या करना है आपको, रेस्पेक्ट का मेरी भाषा में मैंने क्या कहता हूँ, श्रद्धा रखनी होती है, श्रद्धा, ज्ञान किसको प्राप्त होता है, जो श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब आपको श्रद्धा ही नहीं है एडवाइजर के ऊपर तो क्यों एडवाइस ले रहे हो, मैं तो डांट के भगा देता हूँ, आप मेरे से एडवाइस पूछने आए हैं ना, मेरे से अगर एडवाइस पूछने आए हैं तो मैं अपनी होशियारी के हिसाब से जो मेरी नॉलेज है आपको सोच के आए ना, तो मुझे अपनी एडवाइस दे देने दीजिए, अब आपके ऊपर है, आप उस एडवाइस को अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, लगता है फॉलो ही नहीं करना, इसको रेस्पेक्ट नहीं करना, तो मेरा 1.5 घंटा खराब कर रहे हैं, गुड, तो सबसे पहले अगर जिसकी जिसके पास भी आप एडवाइस जा रहे हैं उसके ऊपर अगर आपको श्रद्धा नहीं है, अगर आपको डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं,
डॉक्टर तो दुनिया में बहुत सारे बैठे हुए, हर एक के लिए अलग अलग डॉक्टर हो सकता है, हो सकता है जो डॉक्टर मेरे लिए अच्छा हो आपके लिए अच्छा ना हो। तो जो अगर आप किसी के पास एडवाइस के लिए जा रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, यू शुड हैव द ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन एंड इज प्रैक्टिकल नॉलेज। फोर्थ क्या पॉइंट था, टू इंस्पेक्ट करेक्टर ए डिसीजन मेकर विल इनवेरेबली इनकाउंटर इंडिविजुअल हु विश टू मेक एडवाइज, दीज इंडिविजुअल्स विल ट्राई टू टीयर डाउन एडवाइजर्स हु स्टैंड इन देयर वे एंड देयर फोर मस्ट बी गार्डेड अगेंस्ट। ए सिंपल वे टू आइडेंटिफाई सच इंट्रिगर्स, उसको बोला इंट्रिगर्स, राव सेज इज टू क्वाइटली ऑब्जर्व वेदर एन इंडिविजुअल टॉक्स मोर अबाउट पर्सन देन पॉलिसीज। गुड, तो आपको किसके बारे में बात करनी चाहिए, हमेशा पॉलिसीज के बारे में। एज अ ब्यूरोक्रेट व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू कमेंट ऑन पॉलिसीज, नॉट ऑन द इंडिविजुअल्स। इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, तो राजा की नज़र में आप क्या हैं, इंट्रीवर्स हैं। आप पीठ पीछे क्या, किसको क्या कहते हैं हिंदी में, इंट्रीवर्स करने वालों, क्या बोलते हैं इनको, जो चुगलखोरी करते हैं ना बैठ के, इंट्रूग्स, पीछे पीछे बहुत सारी एक दूसरे को उठाने गिराने की जो चीज़ें करते हैं उसको इंग्लिश में इंट्रूग्स बोलते हैं। सातों लक्षण पढ़ लिए, कौन है जो मुझे सातों लक्षण कोट करके बता सकता है, किस चीज का टेस्ट है, मेमोरी, कंप्रेंशन एंड मेमोरी, बताओ जी। मेमोरी का टेस्ट अपने आप है, पूरा आर्टिकल पढ़ो, इतनी देर से लगा हुआ था तुम्हारे पास, 10 मिनट से, 10 मिनट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं कम होते हैं, एक पैराग्राफ के लिए 10 मिनट कितने हैं, बहुत हैं कम हैं, बहुत है एक पैराग्राफ के लिए, 1000 वर्ड का पैराग्राफ है, इतना बड़ा ऐसे तुमको लिखना होता है, ये तो है ना, जितना भी लिखा हुआ है इतना ही तुमको ऐसे लिखना होता है एग्जाम में, इसके 1000 वर्ड्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हो इस ऐसे में कितने वर्ड्स हैं, 1000 मैक्सिमम इतना तुमको लिखना होता है। और एक आर्टिकल जो पेपर में आता ना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होता तुमको कंप्रेंट करने के लिए कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सो कंप्रेंशन हैज टू बी वेरी गुड। इसके लिए कैसे कंप्रेंशन कैसे ठीक होता है, कंप्रेंशन और मेमोरी कैसे ठीक होती है, देखो भाई, मैं बहुत बड़ी बात महाराजा जी ने बताई थी। क्या बताई थी, कि आपका राइट हैंड से लिख रहे हैं, राइट हैंड से अच्छा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखने को कह दिया जाएगा तो नहीं लिख पाओगे, कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, गॉड गिफ्टेड कुछ भी नहीं होता है किसी को, समझ रहे हैं जी। ये सोच लो कि गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड बहुत चीज, कम चीज़ें गॉड गिफ्टेड, बाकी सब चीज़ों को हर आदमी को क्या करना होता है, अपनी मेंटल फैकल्टीज को क्या करना होता है, ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करने की प्रोसेस है, उसको लगातार कंडीशन करना होता है। अगर कंडीशन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ट्रेन करना अगर जैसे प्रेशर में डाल दो तो वो मुझे 6 के 6 बतानी है, मैं बता रहा हूँ सबको, मैं याद करा सकता हूँ सबको, मैं खड़ा होकर बुलवाने लग जाऊँ ना, अभी 3 बोलोगे उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद तुम सारे के सारे 6 बताने लग जाओगे। क्या पॉइंट है, गुड, क्या कर दिया मैंने तुमको, कंडीशन कर दिया, माइंड को प्रेशराइज कर दिया, प्रेशर। तो आपको खुद से कैसा करना होता है, दूसरा कोई, क्योंकि इस एज में कोई दूसरा आपको प्रेशर में नहीं डाल सकता है ना, आपको पसंद आएगा।